हेलो यू वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2022 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसके प्राइसेस कुछ और थे, बट उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस रिविजन्स आए हैं और अब इस गाड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। मतलब पहले जब क्लासिक नई वाली लॉन्च हुई थी तब क्लासिक का प्राइस ज़्यादा था और इसका कम था, बट फिर इसने बाजी मार ली, आगे निकल गई ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो नाउ दिस कॉस्ट इवन मोर देन क्लासिक 350। तो क्या आपको इसको 2022 में लेना चाहिए? डज इट मेक सेंस एंड हाउ इट कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन ऑल्सो? बिकॉज अब एसटी भी आ चुकी है, होंडा की तरफ से कॉम्पिटिशन है। क्लासिक के बारे में भी बात करेंगे कि कम्पेयर टू क्लासिक, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्लासिक लें कि इसको लें। सो इन सब चीज़ों के बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको मीटियोर 350 का नया प्राइस बता देता हूं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जबकि गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसका स्टार्टिंग प्राइस था 1,75,000 रुपीज़। अब इसका स्टार्टिंग प्राइसेस में तीन वेरिएंट्स आते हैं, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। द वन यू आर सीइंग राइट नाउ इज स्टेलर, ये बीच का वेरिएंट है। फायरबॉल का प्राइस है 2,01,600 रुपीज़ एक्स शोरूम। देन वी हैव द स्टेलर जिसका प्राइस है 2,07,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड देन वी हैव सुपरनोवा जिसमें डुअल कलर का पेंट है, डुअल टोन, उसका प्राइस है 2,17,000 रुपीज एक्स शोरूम। सो द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। मेरे दोस्त ने इसको पहले बुक किया था, उस टाइम ना इसके थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, जिसके चक्कर में उसने कैंसिल कर दिया इस गाड़ी को, और फिर उसके बाद और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो उसने कहा अब ले ही लेते हैं, उसको लग रहा था कि कम होंगे बट कम नहीं हुए। तो अगर आपको भी मीटियोर मिल रही है ले लो, क्या पता फिर से प्राइसेस बढ़ जाएं, क्योंकि कम तो होते नहीं है, कम नहीं होने वाले। अब सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रूजर लुक्स मिलते हैं। मतलब देखो, आगे हल्का सा उठा हुआ है, पीछे हल्का सा ऐसे दबा हुआ है, दैट इज़ अ प्रॉपर लुक फॉर अ क्रूजर। एग्जॉस्ट विच लुक्स रियली गुड। तो लुक्स के मामले में तो यार कोई दिक्कत नहीं है। सामने से स्टार्ट करते हैं तो हैलोजन, ये सब हैलोजन है। अगर कंपटीशन के बारे में बात की जाए लाइक एसडी, वहाँ पे आपको एलईडी मिलता है, बट यहाँ पे हैलोजन है। तो ये देखो हैलोजन है, बट आपको ये जो रिंग है ना, ये डीआरएल मिल रहा है इसमें, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सामने की तरफ आपको 19 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, एंड वी हैव डुअल चैनल ABS, ट्यूबलेस टायर्स, अलॉयज भी ना थोड़े से अलग हैं, मतलब स्टेलर में अलग हैं, और फिर उसके बाद सुपरनोवा में इसमें थोड़ा सा क्रोम आ जाता है, तो वो एक चीज़ है, बट ठीक है, ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो इट्स एन ऑल न्यू इंजन जो कि रॉयल इनफील्ड ने डेवलप किया था, जे सीरीज़ का। 349 सीसी का ये इंजन है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड है। ये प्रोड्यूस करता है 20.2 हॉर्स पावर एंड 27 NM का टॉर्क। तो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे, बिकॉज इसमें काउंटर बैलेंसर भी है, एंड फुटपैक्स आप लोग देख सकते हैं एकदम आगे की तरफ सेट हैं। यहाँ पे बढ़िया सा क्रोम एग्जॉस्ट गया है, जो कि बहुत सही दिख रहा है। अगर आप इससे नीचे वाला वेरिएंट लेते हो जो कि फायरबॉल है, उसमें ये आपको ब्लैक में मिलेगा, यहाँ पे क्रोम कर दिया गया है। और यहाँ पे मीटियोर 350 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रॉयल इनफील्ड का पूरा एम्बलम है क्रोम में, विच लुक्स रियली गुड। ये मैट ब्लैक पेंट है, जो कि मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा दिखता है, बट हाँ इसमें मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे ये देखो, अब भी हल्का सा वॉश करा के आया है मैंने इसको, बट स्टिल थोड़े से गंदे होने पे सब इसमें इम्परफेक्शंस देखने लगते हैं, क्योंकि मैट में ना जब तक सब कुछ एक सा ना रहे ना, थोड़े से इम्परफेक्शंस दिखते हैं। बाकी आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, ठीक है, सो इट विल गिव यू गुड रेंज। यहाँ पे आपके ये नए टाइप के स्विचेस हैं, यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल कर सकते हैं। हॉर्न इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट्स मिल जाती हैं आपके स्टार्ट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीड डिस्प्ले होती है, यहाँ पे फ्यूल, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर विच इज़ अ गुड थिंग, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, ये सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल नेविगेशन मिलता है, जिसमें आप नेविगेशन कर सकते हो और अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें नहीं हैं, विच इज़ अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी। एंड ऑल्सो देयर इज नो टैकोमीटर, तो वो एक और चीज़ है, बट टैकोमीटर क्रूजर में उतना यूज़ का नहीं रहता मेरे हिसाब से, बट एटलीस्ट रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और ये सब चीज़ें देना चाहिए था। बाकी सीट के बारे में बात की जाए, सीट इज़ रियली कंफर्टेबल ऑन दिस थिंग। मतलब आप लोग देख सकते हो राइडर के लिए कितनी सही सीट है,
पेलियन के लिए भी कितनी सही सीट है, यहाँ पे बैकरेस्ट भी आपको मिलता है ये स्टेलर वेरिएंट में, तो कंफर्ट के मामले में नो प्रॉब्लम हेयर। एंड पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, GT 650 में आपको 130 सेक्शन का मिलता है, तो एक चीज़ देख रहे हो कितनी नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पे आपको 140 सेक्शन का मिल रहा है विच लुक्स गुड। 270 mm का रियर डिस्क है जो कि बहुत बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा है, सो द साइज इज़ ह्यूज। एंड यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बैच है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी है, तो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। Now before we start riding, I know you guys are watching this video on YouTube. कोई भी चीज़ सर्च करना होता है, we use Google. कोई भी चीज़ की शॉपिंग करना होता है, we use Amazon. We use so many US companies in our lives every day and we are so familiar with these companies. Why don't we invest in US stocks? Because US stocks में आपको बहुत अच्छा return, बहुत अच्छी growth मिलती है। अब जब मैंने भी investing start किया था, उस time मैंने भी सोचा था कि मैं इन companies में invest करूँगा, बट फिर पता चला कि यार बहुत लंबा प्रोसीजर है, बट नॉट फॉर यू गाइस, बिकॉज INT मनी इज हेयर टू हेल्प यू आउट। विद INT मनी सबसे पहले आपको जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस देना है, एंड यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑल्सो आज मैं आपको 250 rupees के Amazon के स्टॉक्स देने वाला हूँ फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज, डिस्क्रिप्शन में INT मनी की लिंक है, जाके INT मनी को डाउनलोड करो। एंड अगर आप डायरेक्टली कहीं से डाउनलोड कर रहे हो, so while registering use the code FI Amazon, while registering you will get Amazon stocks worth 250 rupees for free. And also जब आप first time fund transfer करोगे ना अपने US stock account में, आपको 750 rupees के US stocks और मिलेंगे, so बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जल्दी से जाके INT money को download कर लो, use my code FI Amazon and start investing in US stocks, let your money grow. अब अपन बाइक को राइड करते हैं, सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट यू कैन रियली फील दैट टॉर्क, मतलब वो जो लॉन्ग स्ट्रोक नेचर है ना, उसकी वजह से आपको टॉर्क बहुत अच्छा फील होता है इनिशियली मिड रेंज में। टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो लॉन्ग स्ट्रोक का एक नेचर भी है कि टॉप एंड में आपको ज़्यादा पावर फील नहीं होती है, बट इनिशियली एंड मिड रेंज में आपको बहुत अच्छी पावर फील होती है, बहुत अच्छा टॉर्क फील होता है। लाइक राइट नाउ आई एम इन थर्ड गियर, अब देखो आप, मैं एकदम स्लो डाउन भी हो जाऊँगा ना तो भी गाड़ी स्ट्रगल नहीं करती है। मैं सिटी में जैसे ट्रैफिक में चलाते चलाते इसको सेकेंड गियर में भी उठा सकता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रोक नेचर। तो ये इसका फ़ायदा है, और पावर बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छा है, आपको बहुत एफर्टलेस पावर मिलती है। रिफाइनमेंट के मामले में भी रिफाइनमेंट इज़ रियली गुड, या एकदम टॉप एंड में जाके आपको थोड़ा बहुत कुछ मतलब हल्के से वाइब्रेशन फील हो सकते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ पावर नहीं है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इनिशियली और मिड रेंज में आपको बहुत अच्छी पावर फील होती है, वहाँ पे कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। सो इंजन अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ रियली गुड यूनिट, एंड यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट की है बिकॉज ऑफ द काउंटर बैलेंसर, द वे द पावर इज डिलीवर्ड, द रिफाइनमेंट, सो दैट ऑल इज़ रियली गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो ये एक चीज़ है जो मेरे को SD से बहुत बेटर लगती है, कि सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे लीवर्स मिलते हैं ना, ये थोड़े से चौड़े लीवर्स हैं, जिसकी वजह से इसमें जैसे पकड़ने में और ताकत लगाने में ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, बिकॉज थोड़े से चौड़े हैं ना, तो आप अच्छे से ऐसे ताकत लगा सकते हो, वो एक चीज़ है। सेकेंडली इट्स रियली लाइट, सो मतलब बार बार यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी उंगलियों में दर्द नहीं होगा, जो कि SD में नहीं है। SD का क्लच बहुत हार्ड है, तो वो एक और यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। एंड द प्रोग्रेशन इज़ रियली गुड, 5-speed आपको गेयर बॉक्स मिलता है। येस, यहाँ पर मैं कहूँगा SD के पास एक और गेयर है, बट कंसिडरिंग द गेयरिंग इज़ ऑन द टॉलर साइड हेयर, तो उसकी वजह से आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि आई नीड वन मोर गेयर। होता तो बहुत बेटर रहता, बट ऐसा सच कभी आपको फील नहीं होता है। सो द गेयरिंग इज़ ऑन द टॉलर साइड, एंड ऑल्सो द गेयर बॉक्स इज़ अ वेरी गुड यूनिट। वाई आई कॉल इट अ वेरी गुड यूनिट,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एकदम प्रॉपर क्लिक है, ठीक है, एक बार में गेयर लगते हैं। सेकेंडली यस द एक्शन इज अ लिटिल लॉन्गर, मतलब थोड़ा सा ऐसे नीचे जाके गेयर लगता है, नॉट अ बिग इशू बिकॉज दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ अ क्रूजर। कभी आपने अगर हार्ले चलाई हो या फिर ऐसी कोई मोटरसाइकिल चलाई हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि थोड़ा सा लंबा रहता है, ट्रैवल लंबा रहता है गेयर लीवर का, तो वो एक चीज़ है। बट द वे इट वर्क्स, मतलब जो एकदम प्रोग्रेशन है प्रॉपरली और एकदम प्रॉपरली गेयर लगता है, प्रॉपर क्लिक आता है एक, उसके हिसाब से यार गेयर बॉक्स बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेटिंग पोजिशन के बारे में, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल, बिकॉज इफ आई कंपेयर इट टू क्लासिक, क्लासिक इज ऑल्सो कम्फर्टेबल बट नॉट लाइक दिस, दिस इज ऑन अनदर लेवल। मतलब जो आप ऐसे बैठते हो ना, हैंडल बार आपकी तरफ आता है, फुट पैक्स थोड़े से आगे की तरफ हैं, द सीट इज रियली कम्फर्टेबल एंड रियली सपोर्टिव। सो जो यहाँ पे कम्फर्ट है यार, मतलब यहाँ पे तो मैं कहूँगा अगर आपको कम्फर्ट चाहिए ना, दिस इज द बेस्ट मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड हैज राइट नाउ। नॉट इवन इंटरसेप्टर, आई एम टेलिंग यू, नॉट इवन इंटरसेप्टर कम्स क्लोज। मीटियोर इतनी कम्फर्टेबल है, मतलब क्या बताऊँ मैं। सो दिस इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट इज ऑन अनदर लेवल। जो आपको यहाँ पे सेटिंग पोजिशन मिलती है, जो कम्फर्ट है, यू कैन राइड दिस, मतलब जो इंसान 50 किलोमीटर में थक जाता है ना, वो इंसान भी इस गाड़ी को 200 किलोमीटर चला लेगा, इतनी कम्फर्टेबल है। सो दैट्स रियली गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, वी हैव डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। इट्स अ गुड ब्रेकिंग सिस्टम, लाइक सी आई कैन नॉट कंपेयर इट टू अ स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक में फीडबैक, बाइट, ये सब बहुत अग्रेसिव रहता है, यहाँ पे उतना अग्रेसिव नहीं है। बट या द स्टॉपिंग पावर इज गुड इनफ एंड कंसिडरिंग इट्स अ क्रूजर, द ब्रेक ऑन द रियर इज अ गुड वन। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ऑल्सो गुड, बट अगेन एज आई वॉज टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, सो द बाइट इज नॉट रियली अग्रेसिव, द फीडबैक इज ओके बट द स्टॉपिंग पावर इज गुड। तो क्रूजर के हिसाब से ब्रेक्स हैं, नॉट रियली इमीडिएट, बट जैसा क्रूजर में होना चाहिए वैसे हैं। और मतलब कि जो अपना डुअल चैनल ABS है, उसने भी जबरदस्ती इंक्लूड नहीं किया, सो दैट्स ऑल्सो गुड, ब्रेक्स आर गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप चलाते रहते हो ना इसको, तो आपको एक स्टिफनेस फील होती है सस्पेंशन से, यू फील लाइक द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी से कि आप इसको 100 पे ले जाओ, 80 पे ले जाओ, कोई मतलब ऐसे शेकीनेस नहीं रहती है। सो स्टेबिलिटी इज रियली गुड एंड यू फील दैट स्टिफनेस। बट वंस यू गो ओवर समथिंग, जैसे ये देखो, ये जैसे मैं यहाँ से लेके जाऊँ ना, अब जैसे कोई पॉटहोल में मैं जाता हूँ या फिर मतलब कोई गड्ढे में जाता हूँ, कोई स्पीड ब्रेकर में जाता हूँ, फॉर वन माइक्रो सेकेंड आई फील लाइक कि हाँ ये सस्पेंशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा कुछ एंड आई विल फील द बम्प, बट आफ्टर दैट वन माइक्रो सेकेंड इट एब्जॉर्ब्स इट। मतलब वो वन माइक्रो सेकेंड के बाद ना वो स्टिफनेस को छोड़ के फिर एब्जॉर्ब करने लगता है। सो दैट इज हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज। सो येस, फॉर द मोस्ट पार्ट इट विल गिव यू रियली गुड स्टेबिलिटी एंड रियली गुड हैंडलिंग, बट वेन यू नीड दैट कम्फर्ट इट विल प्रोवाइड दैट टू। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एकदम अनकम्फर्टेबल करने वाला है। सो येस, इट्स अ क्रूजर, इट नीड्स टू बी कम्फर्टेबल। और वहीं पर मैं आपको बता रहा था ना, कम्फर्ट के मामले में तो यार इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, इट्स रियली कम्फर्टेबल। सो स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, कम्फर्ट भी बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए आपको। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। माइलेज के बारे में बात की जाए, सो ये एकदम नई गाड़ी है यार, अभी दोस्त ने ली है, तो हम लोग ने एकदम रियल टाइम माइलेज तो इसका नहीं निकाला है, बट यू कैन गेट अराउंड 30-35 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट इज़ व्हाट यू कैन एम फॉर, एंड उसी के आसपास आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा भगाओगे तो 25-30 भी मिल सकता है, और बहुत आराम से चलाओगे तो 35+ भी मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल माइलेज मिल जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेट के बारे में। सो ये देखो,
नाउ बिकॉज ऑफ द स्टेयरिंग एंगल एंड द वे यू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल, बार बार ऐसे पैर ऐसे करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिकॉज यूजुअली अपन पैर ना ऐसे करके ऐसे रखते हैं, बट इसमें आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ता है, तो ये एक चीज़ है। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस मोटरसाइकिल स्पेशली फॉर ट्रैफिक, वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ द फुटपैक पोजिशन। सेकेंडली, कंसिडरिंग द स्टेयरिंग एंगल एंड द लेंथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इसको एकदम यू टर्न कराना और एकदम ट्रैफिक में चलाना इज़ नॉट द ईजिएस्ट। ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ 191 kgs, अ लॉट। सो वहाँ पे भी आपको इस गाड़ी को जैसे चलते चलते तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट जैसे एकदम स्लो डाउन हो जाओ यहाँ पे, सो फिर आपको समझ में आता है हाँ इस गाड़ी का वेट अच्छा खासा है, और फिर वहाँ पे आप समझते हो हाँ यार अगर एक तरफ झुक गई तो संभालने में दिक्कत हो जाएगी। सो वेट और फुटपैक पोजिशन की वजह से इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाना इज़ नॉट द ईजिएस्ट, वो एक चीज़ है। बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस वेट आपको बहुत स्टेबल राइड मिलती है, और जो मैं आपको सस्पेंशन का भी बता रहा था ना, उसमें भी इस वेट का एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सस्पेंशन में कमाल है, बिकॉज ऑफ द वेट सस्पेंशन उस तरीके से बिहेव करता है, तो वो एक चीज़ है। ऑल्सो रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली ईजी, आप एक बार में इसको पढ़ सकते हैं, गेयर एयर भी अच्छे से दिख जाता है। येस द फॉन्ट कुड हैव बीन अ लिटिल बिगर, बट ठीक है उतनी दिक्कत नहीं होती। ऑल्सो यहाँ पे आपको ईको इंडिकेटर मिलता है, सो इफ़ यू आर राइडिंग डिसेंटली तो यहाँ पे ईको लिखा जाता है, विच टेल्स कि हाँ आप थोड़ा सा फ्यूल सेव कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। एंड व्हेन यू स्टार्ट क्रूजिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल, लाइक आप इसको 80 तक लेके जाओ, 100 तक लेके जाओ, द कम्फर्ट द स्टेबिलिटी दैट इम्प्रेसेस मी सो मच, कि मतलब ऐसे एकदम आराम से बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती है, मतलब बाइक इतनी स्टेबल रहती है, एकदम ऐसे चिपक के चलती है। दैट्स थैंक्स टू द वेट, दैट्स थैंक्स टू द सस्पेंशन सेटअप। सो एकदम मतलब देखो एकदम ऐसे चलते रहो और कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए कि नहीं, एंड हाउ इट कम्पेयर्स टू द कॉम्पिटिशन। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट रॉयल एनफील्ड हैज मेड till date. Why I call it the best product? Because अगर मैं यहाँ से Royal Enfield का tag हटा भी दूँ, Royal Enfield के जो emotional aspects हैं उनको भी हटा दूँ, the product itself is so good, the comfort, the refinement, the engine, everything is really good here. Yes, fit and finish के थोड़े से issues हैं, wiring थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, but other than that, the product is really good. So वो एक चीज़ है। अब प्राइस के बारे में अगर बात की जाए, देखिए प्राइसेज इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस 1,75,000 रुपीज़ था स्टार्टिंग, तब से इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ही बात की जाए उस पर, बिकॉज सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें कंपनी फेस कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो एक एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि अगर लेना चाहते हो तुरंत ले लो, क्या पता फिर से बढ़े आए। तो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, बट सी द थिंग इज इसके जैसी और कोई मोटरसाइकिल है नहीं। अगर कुछ होता ना जो कि कम प्राइस पे अवेलेबल होता तो मैं कह देता कि यार अब इसको मत लो उसको ले लो, बट ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले इसी की फैमिली से क्लासिक 350 के अगर बारे में बात की जाए, क्लासिक 350 इज अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, इट रिजेंबल्स द ओल्ड स्कूल रॉयल एनफील्ड्स, तो वो ओल्ड स्कूल की तरफ ज़्यादा है, बट वहाँ पे आपको इतना कंफर्ट नहीं मिलता, इतनी रिलैक्स राइडिंग नहीं मिलती, तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे अभी भी ये मोटरसाइकिल आगे है, यस इसका प्राइस अब क्लासिक 350 से भी ज़्यादा हो चुका है, तो अराउंड 4,000 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं क्लासिक का बेस मॉडल लूँ डुअल चैनल विद डुअल डिस्क, तो उससे ये अराउंड 4,000 रुपये 5,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करती है, बट यू आर पेइंग फॉर द कम्फर्ट हियर, You are paying for the relaxed riding, ठीक है, तो वो एक चीज़ है। तो अगर आपको ओल्ड स्कूल की तरफ जाना है, गो फॉर क्लासिक, अगर आपको ज़्यादा रिलैक्स राइडिंग चाहिए, गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। सेकेंडली आती है होंडा की तरफ से हाइनेस। अब हाइनेस अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ ना, हाइनेस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो कि ओवरली परफेक्ट है वो गाड़ी। मतलब देखिए क्या होता है ना, जब आपको कैरेक्टर चाहिए ना किसी चीज़ से, यू नीड टू गिव अवे परफेक्शन, बिकॉज अगर परफेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा ना, कैरेक्टर लूज हो जाता है।
वही केस है होंडा हाइनेस का। वहाँ पे परफेक्शन इतना ज्यादा है, इंजन इतना स्मूथ है, सब कुछ मतलब इतना स्मूथ है वहाँ पे कि आपको लगता ही नहीं कि मतलब मैं 350 cc की कोई मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। स्प्लेंडर वाली फील आती है वहाँ पे। तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत परफेक्ट गाड़ी है, बट वही है, फील नहीं है वहाँ पे, फील यहाँ पे है। तो ये एक और चीज़ है, और ये ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होती है वो वहाँ पे, ऐसा लगता है कि आपको थ्रॉटल देना है, यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स राइडिंग है। थर्ड थिंग ESD, अब ESD की तरफ से आ गई है रोडस्टर। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वॉन्ट स्पोर्ट्स बाइक लाइक परफॉर्मेंस इन अ क्रूजर अवतार, गो फॉर दैट मोटरसाइकिल। वहाँ पे सिक्स्थ गियर है, लिक्विड कूलिंग है, ज़्यादा आपको ज़्यादा पावर फील होती है वहाँ पे, तो वो एक चीज़ है। बट अगेन, इफ यू वॉन्ट रिलैक्स राइडिंग, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। रिलैक्स राइडिंग का ऑप्शन यही है। अगर मैं जावा को भी लेके आऊँ, जावा 42, 2.1, वो सब भी देखोगे अगर आप, तो भी वहाँ पे स्पोर्टी परफॉर्मेंस है, लेकिन रिलैक्स राइडिंग नहीं है, विथ फील, विथ दैट कैरेक्टर, तो आपको यहाँ पे मिलता है। एंड व्हाई आई कॉल इट द बेस्ट प्रोडक्ट दैट रॉयल एनफील्ड हैज मेड टिल डेट, बिकॉज यहाँ पे उतनी कमियाँ नहीं है जो बाकी मोटरसाइकिल्स में है जो रॉयल एनफील्ड बनाता है। जैसे हिमालयन में बहुत दिक्कतें हैं, इंटरसेप्टर और GT में इंजन को छोड़ के बाकी दिक्कतें हैं, उसके बाद आपके क्लासिक में भी थोड़े बहुत निगल्स आते रहते हैं। अब नई वाली में उतने नहीं है बिकॉज द इंजन हैज चेंज, बट स्टिल वहाँ पे कम्फर्ट उतना अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे USP अभी भी है। So yes, the prices have increased, but still this is a worthy buy. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. So like karna, subscribe karna, bell icon daba dena, and comment down below aapko video kaisa laga. And also do check out IND Money. Description mein link hai. Claim your free stocks. Use my code and have fun.